टीम होप एवरीथिंग इज ओके बिटवीन यू गाइस। यार स्वप्ना रेडी बंतारी एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। यार देखो क्या होता है, आप सबको पता है कि स्काउट थोड़ा सा स्काउट का एंगर इश्यूज है। एंड स्काउट यार देखो, स्काउट ने हमें भी ग्रुप पे बोला कि यार तुम लोग कैसे खेलते हो, ऐसे खेलते हो, ऐसे खेलते हो। एंड हमारा स्काउट का बिल्कुल सॉर्टेड है। देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता है स्काउट जब गेम में ड्रॉप फाइट में हार जाता है या फिर मतलब कभी भी फाइट होती है, एंड देखो मैं भी फाइट हार जाता हूँ, सो जो भी प्लेयर फाइट हारता है ना गाइस, अगर वो प्लेयर एग्रेसिव प्लेयर है तो उसको गुस्सा आता है कि हम फाइट क्यों आ रहे हैं, एंड दैट इज नॉर्मल। अगर उस टाइम पे वो थोड़ा सा रेज कर देता है, मैं रेज कर देता हूँ, वो रेज कर देता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरे को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसको अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ यार। एंड इतना चलता है, कभी वो गुस्सा हो जाएगा, कभी थोड़ा बहुत वो हमें मारेंगे तो हम भी गुस्सा ही होते हैं यार। हमको हमको थोड़ी हम थोड़ी खुश होते हैं कि भाई हाँ मर गए गाइस, हम वाइप हो गए। कल जब हम वाइप हो, जब आदित्य, मैं बताता हूँ हुआ क्या था उस दिन। कल भाई आदित्य ने फॉलो करा हुआ था किसी को नहीं, आदित्य का होता है पैराशूट ग्लिच। तो आदित्य आ रहा है वाटर सिटी मेरे साथ, मैं आदित्य डेस्ट्रो एंड मैं आदित्य डेस्ट्रो एंड वैक्सी जा रहे हैं वाटर सिटी। तो हम तीनों वाटर सिटी आते हैं, आदित्य का ड्रॉ, आदित्य का हो जाता है पैराशूट ग्लिच, आदित्य वहीं पर रुक जाता है रुइंस में। तो आदित्य कहता है मैं रुइंस लूट लेता हूँ एंड फिर आऊंगा। तो मैं कहा ठीक है तू रुइंस लूट ले। उतनी देर में ना रुइंस से मुझे शॉट आता है, जब मैं अपना क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा था, मैं जब आपको पता तुम्हारा भाई ऑफ गार्ड एंगल बनाता है, मैं ऑफ गार्ड एंगल बना के छत पे चढ़ा हुआ था, जो मैं जिस पे हमेशा चढ़ता हूँ वो छत में लेके रखता हूँ हमेशा अपने लिए। तो भाई ये सीन है। उसके बाद क्या हुआ, उधर से मुझे शॉट आता है, मैं आदित्य को कहता हूँ आदित्य भाई तू उसको लेगा रुइंस वाले को, क्योंकि उसको पता नहीं तेरी पोजिशन, तेरा काम है रुइंस वाले को मारना। तो मैं कॉन्फिडेंट इनफ था कि आदित्य रुइंस वाले को मार देगा, चाहे कोई भी है, चाहे स्काउट है, चाहे मावी है, आदित्य 1v1 जीत जाएगा, मुझे जहां तक अपनी टीम का पता था। बट भाई आदित्य को ना थोड़ा सा प्रेशर आता है वैक्सी की साइड से, वैक्सी उसको कहता है कि आदित्य थोड़ा जल्दी कर, अगर तू उसको नॉक टाइम पे कर देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रेव हो जाऊंगा। अगर आपको याद है तो वैक्सी नॉक हुआ था उस टाइम पे। तो भाई उस टाइम आदित्य उसको 1 HP करता है स्काउट को, और भाई आदित्य जंप शॉट लेता है, जो कि मैं अपने प्लेयरों को हमेशा मना करता हूँ। भाई सच्ची बताऊं, मैं अपने सारे प्लेयरों को मना करता हूँ कि भाई जंप शॉट मत लो, जंप शॉट मत लो, जंप शॉट मत लो। बट वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव होके वो जंप शॉट लेता है, एंड स्काउट भाई जो देता है उसको, मतलब भाई मैं हैरान हो जाता हूँ स्काउट ने कल मारा है, क्या मारा है भाई स्काउट ने, पर क्रेजी मारा है पता है। देखो सच्ची बोलता हूँ, स्काउट ने कल मजेदार मारा है भाई, गोल्डन HP पे उसने क्रेजी मारा उसको, मतलब मैं खुद एज ए प्लेयर हैरान हो गया था। क्योंकि गाइस देखो, मारना इज अ थिंग, आदित्य को मारना इज अ थिंग, भाई गोल्डन HP में मारना मतलब और नेक्स्ट लेवल चीज है यार, तुम समझ रहे हो। आदित्य आदित्य को मारना 1v1 में मजाक मजाक नहीं है ब्रो, आदित्य भी हगा है, आदित्य भी हगा है, बट इतना चलता है यार। एक आधी बार यू कैन चोक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इन द गेम। टूर्नामेंट नहीं था, स्क्रिम्स है, सीख रहे हैं, मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया आदित्य पे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो इतना ज्यादा मैं अपने प्लेयर्स को वो नहीं कर रहा पता है, अभी अभी मैं चिल रहने दे रहा हूँ उनको, चिल इंजॉय करने दो। अभी जब टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे तब वापस से तुम्हारा भाई अपना टॉक्सिक मोड ऑन करेगा, एंड फिर समझ रहे हो गाइस, फिर समझ रहे हो क्या होने वाला है। श्री ऑन स्ट्रीम क्या करता था मैं, आप लोगों को याद है कौन है वो ब्रो।